अगली बार से अपनी पतंग लेकर के आऊंगा और अपना मंजा लेके आऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शुरुआत हो रही है बाइक धोने से। भैया बहुत है गट्टी आ रही सारी, हट जाओ। अब हम आ चुके हैं रेस के। चल ना फोटो खिंचवा ले। ओए तेरी बहन की टांग खिंचवाएगा। ओ और लेट, और लेट उसे। अंकल जी फोटो, मेरा देश। बाहर आ खिंचवा ले, बाहर आके। मत कर वे चोर, दोस्त मत कर यार। अंकल सर जी, मैंने तो उल्टा उतारा इसको, पागल है यार तू। ए कर दे कर दे, बंदी कर दे। गाइस आज मैं बहुत, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे ये ले। अरे भाई टाइम वेस्ट मत करो अपन। तू क्यों आ रहा है यहाँ पे? दुकानदार खराब कर रहे हो गया, तुम तो मिले पाएंगे इसको। क्या हुआ? तो मेरे अब तीनों भाई जा रहे हैं और एक भाई ऊपर चले गया चोर। भाई तुम क्यों जा रहे हो घर जल्दी, पहले बताओ। सिस्टम देखने जा रहे हैं, सिस्टम देखने जा रहे हैं। कितने वोट करे तुमने? वोट भाई बनती नहीं है अभी, तो और करने हैं। अभी भी मिल हो रहे हैं वोट, अभी फिर होगा। तो भाई अलवीश एक तरफा, ठीक है भाई, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं भाई पक्का। The next day. So hello guys, welcome back to my channel. तो अपनी शुरुआत होती है आज यहाँ की सुबह से, मतलब सुबह शुरुआत होती है। गोरा भाई क्यों का दांत में दर्द? आप तो सुनो रखा है। और ये वाली ना इतनी तेज फट रही है ना भैंस की। और वीनू भाई लेटे हुए हैं भैंस की तरह, उठ नहीं रहा है। उसका सिस्टम है ना आराम से भाई। 15 अगस्त उठ जा तो भाई, ये 15 अगस्त है। देखो मंजे, देखो भाई तुम्हारे चक्कर में कबूतर कबूतर मर रहे हैं। तुम पतंगे उड़ा रहे हो ना बेंचो ऐसे, तुम्हारे चक्कर में उनके पैर में फंसता है सब कुछ। चल लो पतंगे उड़ाओ, तो मंजा साइड में रख दो, कबूतर मर रहे हैं उससे लड़ के लड़ो। भाई 4-5 पतंगे काट दी तुम्हारे भाई ने, और बताओ कितनी पतंगे काट दी मैंने। डल्लो ने मेरे को एक पतंग उड़ा के ही नहीं दी बेंचो। लो ने एक पतंग उड़ा के नहीं दी मेरे को अभी तक। तुम्हारे भाई को उड़ाने आती है नहीं वैसे भी। अब इनको बोलूँ एक पतंग उड़ा के दे दो मेरे को, फिर मैं उड़ा दूँ अपने आप। भाई अपनी पसड़ों में वाली है बस। अरे ये भी पतंग अपनी तो भाई देख गौरव, ये देख सब मेरे साथ पतंग उड़ा नहीं रहे हैं। तू और मैं ना मंजा मंजा वाली खेल लेते हैं, तोड़ने वाली है ना। ओके गाइस पतंग उड़ रही है, ऊपर है ना सीधा, उड़ रही है। खाने को क्या हो गए? अरे खाने का क्या सिस्टम, पूरे निकाल तो रहा है। भटूरे तो वही आई पा, वो मंजा भी है। कौन सा है
कोई देता ही नहीं पतंग भाई मैं अगली बार से अपनी पतंग लेकर के आऊंगा और अपना मंजा लेके आऊंगा। पतंग उड़ रही है जा रहा है पतंग पतंग उड़ाने का बैन की टांग वहां पे तो भीड़ नहीं थी क्या देख भैया और अपना आपको वो जनों का अपन 280 वोट दिए भाई वो 280 मिलियन वोट दिए 15 मिनट के अंदर अंदर बैन के लैंड फोन में अपडेट के आ गया बता दे तू भाई नेट डाला है भाई के फोन के अंदर फोन खोलते के साथ ही ग्लिच तगड़ा वाला मतलब वो फोटो कैसे था हमारी वो तगड़ा तरीके से जाने वाली है बैन की बहुत जल्दी ठीक करवा देना थोड़े पैसे वो कर देना डोनेट कर देना करेगी हम देसी बालक बैंड का लंडन नशे करके बैठा हुआ है आएंगे भाई बढ़िया बर्गर अब ना भाई तीसरा बर्गर बहुत बढ़िया खड़ा बर्गर वहाँ पे खाओ पियो ऐश करो बैंड की चूत पतंग पतंग मत उड़ाओ अब तुम्हारा भाई बिल्कुल ना दोगे रेडी और हम तुम्हारा भाई जा रहा है मंदिर क्योंकि तुम्हारा भाई पता नहीं क्यों कब से थोड़ा शांत टाइप सा हो गया है क्योंकि जितने भी काम बिगड़ते हैं ऊपर वाला ही सब संभालता है अपने हनुमान जी सब संभालते हैं तो बस अंदर निकलते हैं अभी हम तुम्हारा भाई अभी तोले को सुखा के बाहर निकलता है ना मिलते हैं क्यों नहीं आएगी तोड़ के देख टूटेगा मजा आता है नोट निकलते हैं ना और अपनी कमाई का निकल तो रहा अच्छा मजा आता है सो हम जा रहे हैं मंदिर ये बैन सब लेट करा जा रहे हैं बार बार चलो कहीं तो उंगली घुस रही है वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड के दिनों मटन का टन का टन बेबी कम यसू यसू मेरा तुम्हारी बेटी बोलती थी नहीं अब बोलने लगी यसू यसू अबे सुन जब हम तीन बंदे हैं तो दो हेलमेट क्या करेंगे एंड के लोड़ो मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी पे आए तो सी गाड़ी सीज हो जाए मैं तो रास्ते में चलो भाई यार टट्टी आ रही है बहुत तेज़ यार जाके करूंगा आऊं करके आऊंगा यार फिर मैं या उधर भी है क्या अब नहीं आ रहे अब इतना टाइम लाइन में खड़े हुए हैं उन अंकल को आज ये पैसे पकड़ाएंगे यार अंकल भैया की स्माइल बहुत अच्छी है यार अगले एक बारी आए मैं आऊंगा ही नहीं आज तो बिल्कुल भी लाइन ही नहीं है मंदिर के अंदर में तुम चेक कर सकते हो देखो खाली पड़ा है भैंस और रहती है भैंस की टांग एक किलोमीटर की लाइन और लाइन भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा की रहती है ना पर लाइन में मज़ा आता है बाबा है ना पर लाइन भी नहीं है आज हाँ भैया जी ये लो प्रसाद दे दो सही में भीड़ नहीं आज बिल्कुल भी खाली पड़ा है हल्की फुल्की भीड़ है ये भी और हम आए उसी टाइम पे लेट टाइम पे तब भी देख लो पर कोई नहीं गाड़ी ऐसी होना चाहिए अपने बंदे भी नहीं आया ज्यादा आज अपन तीन ही आ रहे हैं चलो
तो हाँ भाई, क्या हाल चाल तुम सबके? तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा रहा कि मैं अपना फ़ोन दिखाने गया था बाहर, मेरा फ़ोन बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, ख़राब। तो मैं बाहर दिखाने गया था, तो मैंने सोचा कि भाई मतलब कि ठीक हो जाएगा मेरा फ़ोन, मतलब पता वता करा हुआ रेट वेट का। तो भाई वहाँ का सीन क्या था, मतलब जो मैंने दोस्त यार जान करा हुआ डीसी में उससे पता करा, तो भाई उसने बताया 6,000 रुपये, 5,500-6,000 रुपये लोकल डिस्प्ले के, और ओरिजिनल के वही तुम्हारे हो गए 11,000-12,000 रुपये। अब भाई इतना तो अपना हो नहीं पाएगा। फिर मैंने वापस आ रहा, फिर मैंने देखा बहन चो एकदम से फ़ोन चालू हो रहा, देखा मतलब डीसी चलने से पहले ही मेरा फ़ोन चालू हो गया एकदम से ही, और ऊपर थोड़ा एक ग्रीन ऐसे लाइन आ गई, और वो दो लाइन थी। बाकी अब देख रहा हूँ बंदों ने तो भाई मेरे को सजेस्ट करा कि भाई अभी चला ही ले इसी को जब तक चल रहा है। बाकी बहन सुबह से कुछ करा नहीं, अब चालू हो गया, बस भगवान की दया से चाहता हूँ कि यार चालू ही रहे बहन चो, थोड़ा पैसों वैसे भी नहीं है अभी तो ठीक भी कराने के। बाकी आज की व्लॉग मतलब कल की व्लॉग को आज ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैं जिम में जाऊंगा और कुछ करूंगा नहीं। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, लव यू, और लाइक कर दो।